गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 9 बज रहे हैं, हम लोग रूम की साफ़ सफाई कर रहे हैं क्योंकि कल करवा चौथ है, तो वही मैंने सोचा कि साफ़ सफाई हो जाए, करें कि चलो मैं साफ़ कर देता हूँ। 9 बज रहा है सुबह, किचन में भी काम रहता है बहुत, तो कहे कि जाओ तुम किचन संभाल लो, मैं कर देता हूँ। और ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा दिन का सब सामान रखा था, सब उसी को सब साफ़ कर रहे हैं। और कुछ खाली खाली डब्बे भी रखे थे, तो उसी को बेकार में से क्रीम लगाती हूँ, उसे खाली डब्बा रख देती हूँ, ख़त्म हो जाता है, तो उसको भी मैंने बोला कि निकाल दीजिए, फेंक देते हैं उसको। आप लोगों को भी करवा चौथ की तैयारी चल रही होगी। इधर सब फोटो रखे थे, इस पर भी थोड़ा धूल मिट्टी जम गया था, तो वही साफ कर रहे हैं। इधर ही सामने लाइट है, तो इसीलिए थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रहा है लाइट की वजह से। और आप लोग सोच रहे होंगे किसकी फ़ोटो है, तो पापा जी की फ़ोटो है, उसको भी धूल मिट्टी सब जम गया है, तो ये साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद बहुत सारा काम है, बिस्तर भी ठीक करना है, झाड़ू भी लगाना है, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने हैं, इनको नहाना भी है, राजा बेटा को भी नहाना है, हमको भी नहाना है, देखते हैं कितने बजे तक सब फाइनल हो जाता है। और ये हम लोग की दादी का फोटो है, देखते हैं कब काम ख़त्म होता है। बहुत धूल जम गया था, तो वही जाले भी लग गए थे, तो साफ कर रहे हैं। ऊपर का घर बन रहा था ना, तो थोड़ी देर पानी लगा रह गया ऊपर, तो इसीलिए थोड़ा दीवार में सीढ़ा आ गया। जाले जम गए थे क्योंकि मैं भी थी नहीं कुछ दिन के लिए, और हबी जी का हाथ में कलाई की हड्डी क्रैक हो गई थी, स्कूटी से गिरे थे, तो प्लास्टर चढ़ा था, तो इसी वजह से घर पे ही थे और घर से ही ड्यूटी करते थे, तो हमेशा घर रूम ही रहते थे, तो अब साफ़ सफाई करना नहीं बनता था। उधर का साफ हो गया, बिस्तर ठीक कर रहे हैं, अभी राजा बेटा सो रहे हैं, अब ये भी जग ही गए। थोड़ा लेट लगता है झाड़ू वाड़ू लगाने में क्योंकि मैट रहता है, फिर मैट को उठा के झाड़ो, झाड़ के फिर से लगाओ, उसके ऊपर टेबल रखो, तो हमसे अकेले नहीं हो पाता है। ये अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं बेड के नीचे से साफ से, और हम उतना साफ से नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए ही लगाते हैं। मेरा झाड़ू लगाया हुआ पसंद ही नहीं आता है।
अब झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया, अब मैट बिछा रहे हैं। टेबल रखना है और नहाने जाएंगे। कपड़े भी भिगाए हैं, कपड़े भी धोना है। ये चिल्ला रहे हैं कि हमको गोदी ले लो। इनको देर तक बिस्तर पे अच्छा नहीं लगता है। सारा काम कंप्लीट हो गया, अब ये चले गए नहाने। मुझे किचन में काम है अभी, रोटी बनाना है, नाश्ता देना है सबको। तब तक कि नहाने गए हैं तब तक मैं किचन में काम कर लेती हूँ। तब तक नहा के आ जाएंगे तो फिर नाश्ता देना होगा। अब नहा के वो चले आए और राजा बेटा खेल रहे हैं। अब देख सकते हैं कैसे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मैं रोटी बनाने चली गई थी और चिल्ला रहे थे। उठने की कोशिश करते हैं, अभी 3+ के हुए और उठने की कोशिश करते हैं कि उठ के बैठ जाऊं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।